Yes, students, we have just discussed the rules of future perfect tense. कि हम future perfect tense में जब भी कोई sentence बनाते हैं, what do we use? Helping verbs क्या use करते हैं? Will have, shall, according to the subject and third form of the verb. Now let's discuss more examples so that this concept will be much more clearer to you. ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कहाँ पे ये sentence कैसे use करना है. राइट सब फर्स्ट सेंटेंस इज ही विल हैव अराइव्ड. तो यहाँ पे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? विल हैव. व्हाट वी हैव यूज्ड हियर? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही विल हैव अराइव्ड. तो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? विल हैव. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही विल हैव अराइव्ड. इसका मीनिंग क्या है कि वो अराइव मैंने क्या होता है? पहुंचना. वो पहुंच चुका होगा. फ्यूचर में वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज हो चुकी होगी. ही विल हैव अराइव्ड. सेकंड सेंटेंस इज वी विल हैव मेट रशिया. सो स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू आल्सो दैट विद आई एंड वी व्हाट वी हैव टू यूज शेल. शेल किसके साथ यूज करना है? आई एंड वी के साथ. इन स्पोकन वी कैन यूज वी विथ विल ऑल्सो. बट इफ यू कंसिडर दिस ऑन सिंसियर बेसिस मीन्स वेन एवर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम सो वट इज प्रेफरेबल दैट यू हैव टू यूज शेल विथ आई एंड वी. राइट सो आई विल यूज हियर शेल. We shall have met Rashim. तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि मैं रशिम को हम मिल चुके होंगे. We shall have met Rashim. तो यहाँ पे will have क्या है? Will have, shall have. These are helping verbs and arrived, met ये क्या है हमारे verbs. Third form of the verb, right? Next is it will have stopped raining. तो क्या कह रही है अगर कि अब इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग कि जो बारिश है वो रुक चुकी होगी. विल हैव हेल्पिंग वर्ब. स्टॉप इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज दे विल हैव लेफ्ट जापान. तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव. लेफ्ट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे विल हैव लेफ्ट जापान कि वो जापान को छोड़ चुके होंगे, वहां से निकल चुके होंगे. नेक्स्ट इज शी विल नॉट हैव अराइव्ड इन जापान. तो यहाँ पे व्हाट आई हैव यूज है बच्चे, नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी हम फ्रेम करते हैं तो विल के साथ, शेल के साथ हमने क्या यूज करना है? नॉट. विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव. राइट अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है तो शी इट दे क्या यूज करेंगे सिंगुलर के साथ? विल. She will not have arrived in Japan. वो जापान में नहीं पहुंची होगी. ठीक है तो यहाँ पे will not have ये क्या है हमारा helping verb जो कि हमने negative sentence में use किया है. She will not have arrived in Japan. Next is you will not have completed your project. You will not have completed. आपने अपना काम, अपना प्रोजेक्ट पूरा किया नहीं होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. ठीक है मेरे को ये लग रहा है कि ये चीज अभी नहीं हुई होगी. तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज द ग्रास विल हैव ग्रोन. तो यहाँ पे क्या है? आई एम जस्ट अगेन एक्सपेक्टिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं जस्ट अनुमान लगा रही हूँ कि ये चीज हो चुकी होगी. द ग्रास विल हैव ग्रोन By the end of this month, कि इस month के end तक जो grass है वो क्या हुई होगी? Grown, उग गई होगी. Right? Next is, next I'm going to discuss interrogative sentences. अब interrogative sentences में हम क्या करते हैं? We take out will shall in the beginning of the sentence. Right? तो sentence क्या है? Will he have
पैक्ड हिज बैग बाय द इवनिंग। तो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि क्या उसने इवनिंग तक अपना बैग पैक कर लिया होगा। तो विल्चर हमने जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है कहाँ पे लगाना है, बिगनिंग में, सब्जेक्ट से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस इज विल द ब्रिज हैव बीन रिपेयर्ड बाय टुमारो। तो यहाँ पे अगेन विल मैंने सब्जेक्ट से पहले यूज किया, विल द ब्रिज हैव बीन रिपेयर्ड बाय टुमारो। क्या जो ब्रिज है वो कल तक रिपेयर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज विल दे हैव लेफ्ट फॉर द स्टेशन अर्ली। क्या वो स्टेशन के लिए जल्दी निकल चुके होंगे। तो जब हम सिंपल सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं तो व्हाट डू वी यूज, वी यूज हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं देन व्हाट डू वी यूज नॉट विद विल शैल, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो उनके साथ क्या लगाते हैं, विल सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं और साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।